कोलकाता से एक बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कांड पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन पर कड़ा कदम उठाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोलकाता कोर्ट के जज ने ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पुलिस प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। पीड़िता के माता पिता ने देशवासियों से अपील की है कि वे उनकी डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े रहे। अगर आप भी पीड़िता के माता पिता के समर्थन में हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आप भी न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोलकाता कांड पर जो फैसला सुनाया, वह किसी तूफान से कम नहीं था। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस की लापरवाही पर तीखी आलोचना की और साफ साफ कहा कि यह मामला केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था की पूरी तरह से अनदेखी का है। जज ने ममता बनर्जी की सरकार को यह कहते हुए कटघरे में खड़ा किया कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, लेकिन इस मामले में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इसके साथ ही जज ने सीबीआई को भी सख्त निर्देश दिए कि जांच में कोई भी लापरवाही न होनी चाहिए और दोषियों को हर हाल में सजा दी जाएगी, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हों। उन्होंने जांच की समय सीमा भी निर्धारित कर दी और स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही परिणाम नहीं आए तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी और उनकी सरकार की स्थिति और भी कमजोर हो गई है। अब उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि जनता का आक्रोश और अदालत की सख्ती दोनों ही उनके सिर पर तलवार की तरह लटके हुए हैं। जज के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई बहाना या समझौता नहीं चलेगा, हर हाल में जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए। यह फैसला एक सख्त संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई से इस केस में की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा था। अब एक महीना बीत चुका है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अब भी जारी है। पीड़ित परिवार और उनके दोस्तों का दर्द समझा जा सकता है, जो हर दिन कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही एक बड़ा फैसला सुना सकता है, जो इस मामले को नई दिशा दे सकता है। इस फैसले ने ममता बनर्जी की सरकार की नींद उड़ा दी है। जो लोग यह सोच रहे थे कि समय के साथ यह मामला ठंडा पड़ जाएगा, उनके लिए यह एक बड़ा झटका है। जज ने जिस तरह से अदालत में राज्य सरकार की खिंचाई की, वह देखने लायक था। उन्होंने साफ कहा कि यह मामला सिर्फ एक हत्या या बलात्कार का नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि सिस्टम में कितनी बड़ी खामियां हैं। जज ने कहा कि एक युवा डॉक्टर, जिसने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दी थी, इस तरह की बर्बरता का शिकार हो गई और सरकार इसे रोकने में नाकाम रही। इसके अलावा जज ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार केवल बयानबाजी न करे, बल्कि धरातल पर काम करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले की हर कार्रवाई की निगरानी की जाएगी और जो भी जांच को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद से विपक्ष ने ममता बनर्जी पर और भी जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं और हर तरफ से उनकी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे इस गुस्से को कैसे शांत करें और इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले चुनावों में यह मुद्दा उनकी राजनीतिक सेहत पर भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस फैसले ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। ममता बनर्जी को अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि जरा सी भी गलती उनकी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। इस केस के फैसले के बाद कोलकाता में एक तरह से राजनीतिक भूचाल आ गया है। पहले से ही नाराज जनता का गुस्सा अब और भड़क गया है और कोर्ट के फैसले ने उस आग में घी डालने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में देरी ना हो, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि कानून का डर तभी संभव है जब न्याय में देरी ना हो। इस केस को लेकर जनता भी अब और मुखर हो गई है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। खासकर महिलाएं और युवा इस मामले को लेकर बेहद संवेदनशील हो गए हैं। वे सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर भी खलबली मची हुई है और कई नेता अब सोच में पड़ गए हैं कि आने वाले दिनों में जनता का सामना कैसे करेंगे।
विपक्ष इस मुद्दे को हर मंच पर उठा रहा है और ममता सरकार की हर गलती को भुनाने की कोशिश कर रहा है। उधर सीबीआई पर भी दबाव बढ़ गया है। जज के सख्त निर्देशों के बाद अब उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। अगर इस केस में कोई भी लापरवाही होती है तो सीबीआई की साख पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी को एक कठिन दौर में डाल दिया है। उनकी राजनीति और नेतृत्व क्षमता इस वक्त कड़ी परीक्षा से गुजर रही है। अब ममता बनर्जी को न केवल इस केस में न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्पर रहना होगा, बल्कि अपनी सरकार की साख को बचाने के लिए भी कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे। यह मामला अभी और भी गर्माने वाला है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नए तथ्य सामने आएंगे, सियासी माहौल और भी गर्म होता जाएगा। इस केस ने ममता बनर्जी की सरकार को गंभीर मुश्किल में डाल दिया है। जब इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार पहले से ही कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर थी, और अब इस केस ने आग में घी डालने का काम किया है। विपक्ष लगातार ममता बनर्जी पर हमले कर रहा है, यह आरोप लगाते हुए कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम साबित हो रही है। अब मामला सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है, आम जनता का गुस्सा भी ममता बनर्जी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सोशल मीडिया पर भी जमकर विरोध हो रहा है। ममता दीदी पर आरोप है कि उनकी सरकार ने इस मामले को सही तरीके से नहीं संभाला, जिसके चलते हालात और बिगड़ते चले गए। इतना ही नहीं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने भी राज्य सरकार से जवाब तलब किया कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करना पड़ा, जो ममता सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि इसमें सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा हिसाब देना पड़ा। इसलिए कुल मिलाकर यह मामला ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी राजनीतिक मुश्किल बन गया है। अगर इस केस में समय पर इंसाफ नहीं मिलता है तो ममता दीदी की राजनीतिक स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। जनता का गुस्सा और विपक्ष का हमला दोनों ने मिलकर ममता बनर्जी को बुरी तरह से घेर लिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलती हैं। दरअसल यह मामला एक युवा प्रशिक्षु डॉक्टर का है, जो कोलकाता में अपने मेडिकल करियर की शुरुआत कर रही थी। उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने थे, लेकिन वह सपना बर्बरता के साए में तबाह हो गया। लोगों ने पश्चिम बंगाल सरकार से यह सवाल किया है कि ऐसी घटना आखिर कैसे हो सकती है, और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले की जांच शुरू में लोकल पुलिस ने की थी, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया, लोगों का पुलिस पर से भरोसा कम होने लगा। इसी के चलते कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। अब सीबीआई इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, और आज भी कोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई से रिपोर्ट तलब की थी। दोनों पक्षों ने कोर्ट को जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा, या फिर परिवार को और इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता रेप मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के असंवेदनशील बयान ने पीड़िता के पिता को भड़का दिया है। ममता बनर्जी ने कहा था, एक महीना हो गया है, अब लोग पूजा पर लौटें। इस पर पीड़िता के पिता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा, हमने अपनी बेटी खोई है, हमें त्योहारों से कोई मतलब नहीं है। कोलकाता रेप मामले में ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यह बयान दिया, जो बेहद असंवेदनशील प्रतीत हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पूरे देश से ममता बनर्जी की आलोचना हो रही थी, तो उन्होंने कहा, पूजा पर लौटो। दुर्गा पूजा के उत्सव के मद्देनजर ममता बनर्जी शायद यह सोच रही थीं कि पूजा के उत्सव का जिक्र करके उनकी बदनामी कम हो जाएगी। उनका बयान यह दिखाता है कि ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की बात तो दूर, उनके बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है। पीड़िता के पिता का कहना है, हमने अपनी बेटी खोई है। वह भी एक बेटी थी, पश्चिम बंगाल की बेटी, और उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि उसे जल्द से जल्द न्याय मिले। दरअसल ममता बनर्जी ने पीड़िता के माता पिता से कहा कि उनकी उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि उन्हें कब और क्या बोलना है। दर्शकों, आपको बता दें कि पीड़िता के माता पिता ने कहा, हमने अपनी बेटी को खो दिया है, हमें त्योहारों से क्या मतलब है,
सीएम साहिबा कह रही हैं कि त्योहारों पर लौटें। अगर उनके परिवार में ऐसा होता तो क्या वह यह बात कहने की हिम्मत करतीं? पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी से बड़ा सवाल पूछा है। इस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या, जो एक जघन्य अपराध था, को लेकर कई मार्मिक वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दुख से भर सकता है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को देखकर पीड़िता के माता पिता का कहना है, हमने अपनी बेटी के साथ दुर्गा पूजा मनाई थी, लेकिन अब हम कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। ममता बनर्जी का बयान असंवेदनशील था और यह काफी था। उन्हें इतनी आलोचना मिलने के लिए यह दर्शाने के लिए कि ममता बनर्जी को कोई होश नहीं है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से उनकी स्थिति खराब हो चुकी है और पूरे देश में उनकी बदनामी हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी के विरोध में क्या बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब घटना के 3 दिन बाद पुलिस का एक अधिकारी उनके पास आया तो उसने कहा कि हमने संजय राय को गिरफ्तार कर लिया है, सब काम खत्म हो गया है और हम इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर सजा दिला देंगे। लेकिन पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ जो घटना हुई वह सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था, इसमें डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल कोई दुर्गा पूजा नहीं करेगा और अगर करेगा भी तो पूरे मन से नहीं, उनके मन में सिर्फ उनकी बेटी का विचार रहेगा। उनकी बेटी अब पश्चिम बंगाल और पूरे देश की बेटी बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला। जब उनकी बेटी की मौत हुई तो सरकार ने सिर्फ श्मशान का खर्च माफ किया, जो उनके लिए अपमानजनक था। पीड़िता के पिता का बयान यह बताता है कि उन्हें सरकार के रवैये से गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जैसी महिला मुख्यमंत्री से ऐसी असंवेदनशीलता की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर यह घटना मुख्यमंत्री के परिवार में होती तो क्या वे ऐसी बातें कह पाती। यहाँ आपने देखा कि कैसे पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी के बयान की आलोचना की है और सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। त्योहारों से हमें क्या लेना देना, हम तो अपनी बेटी के साथ त्योहार मनाते थे, अब हमें किसी बात का कोई मतलब नहीं है, कहते हुए पीड़िता के पिता ने न्याय की मांग की। इस मामले में अभी तक न्याय नहीं मिला और ममता बनर्जी का कहना है कि अब दुर्गा पूजा का समय है, सभी डॉक्टर अपने काम पर लौटें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि डॉक्टर अपने काम पर लौटें, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इसका कारण है लोगों के मन में भरा हुआ गुस्सा और आक्रोश। यह कोई सामान्य मामला नहीं है, यह एक गंभीर और जघन्य अपराध है। अगर इस तरह के अपराधों के खिलाफ 1 महीने तक विरोध करने के बाद लोग चुप हो जाते हैं तो इससे जनता में यह संदेश जाता है कि समय के साथ हर बात दब जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने विरोध का मोर्चा खोल रखा है और यह भारत की जनता को पसंद आ रहा है। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अगर हम वापस काम पर चले गए तो डॉक्टर बिटिया को न्याय कौन दिलाएगा। कल किसी और के साथ ऐसी घटना होती है तो इसका दोषी कौन होगा। डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे काम पर नहीं लौटेंगे। उधर ममता बनर्जी ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण कई लोगों की मौत हो रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी क्यों नहीं बता रही हैं कि एक डॉक्टर के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है और उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगी हैं। इसी बीच कपिल सिब्बल की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने सरकार का बचाव करने के लिए झूठे आंकड़ों का हवाला दिया है। वे डॉक्टरों के विरोध को कमजोर करने के लिए झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण कई मौतें हो रही हैं, ताकि डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए दबाव बनाया जा सके। डॉक्टरों के फेडरेशन का कहना है कि ये सभी आंकड़े झूठे हैं और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह न केवल पीड़िता की स्मृति का अपमान है बल्कि पूरे चिकित्सा समुदाय के लिए भी अपमानजनक है, जो इस न्याय की लड़ाई में एकजुट है। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।